मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी का विशेष स्थान रहा है। द्रौपदी को महाभारत में आग से जन्मी पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत काल में पंचाल राज्य के राजा द्रुपद थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने पूरे राज्य से ब्राह्मणों को एकत्रित करके एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जिससे एक पुत्री रत्न ने जन्म लिया, जिसका नाम द्रुपद राजा की पुत्री होने पर द्रौपदी रखा गया था। बाद में द्रुपद के और पुत्र हुए। कहा जाता है कि द्रौपदी उस समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। द्रौपदी धीरे धीरे बड़ी होती गई, उसका बचपन बीत गया और जब द्रौपदी 18 वर्ष की हो गई, तब पंचाल राज्य के राजा अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक कुशल योग्य वर से करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने महल के एक कमरे में एक खंभा खड़ा करवाया, जिस पर एक गोले में एक मछली बांधी गई। इस मछली के नीचे एक पात्र में तेल मिलाकर पानी भरकर रखवा दिया। राजा द्रुपद की शर्त थी कि जो भी इस तेल पात्र में देखकर मछली की आंख को निशाना लगाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह कर देंगे। इस स्वर्णवर में सभी योद्धा वहां इकट्ठा हुए, जिनमें दुर्योधन और कौरव, कर्ण तथा पांडव शामिल थे। पांडव भाई अब भी अपने असली वेश में नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि वे अब भी जीवित हैं, सिवाय कृष्ण के, जिन्होंने अपने गुप्तचर भेजकर पता लगवा लिया था कि आग में जलकर कुंती और पांडव भाई नहीं, बल्कि निषाद स्त्री और उसके 5 बच्चों की मृत्यु हुई थी। पांडवों को जब द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला तो वे वहां पहुंच गए। हर कोई द्रौपदी का हाथ चाहता था। इसकी एक वजह यह थी कि वह बेहद सुंदर स्त्री थी, दूसरी वजह यह थी कि द्रुपद बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, जिसके साथ हर कोई संबंध बनाना चाहता था। प्रतियोगिता के दिन खूब चहल पहल थी। हर उम्मीदवार ने आकर अपनी किस्मत आजमाई, मगर कई लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि इस विशेष धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ाई जाती है। जो लोग किसी तरह प्रत्यंचा चढ़ा पाए, वे सिर्फ घूमती हुई मछली की परछाई देखकर सीधा तीर नहीं चला पाए। दुर्योधन वहां जाकर खुद चुनौती को जीतना चाहता था, मगर वह मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए पहले उसने अपने भाई दुशासन को भेजा ताकि वह चुनौती को आजमाए, मगर उसे जीते नहीं। दुशासन एक अभिमानी और साहसी योद्धा था। उसने जाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाया। यह देखकर कि उसका भाई इसे नहीं कर पाया, दुर्योधन ने हिस्सा नहीं लिया। फिर दुर्योधन ने कर्ण को आगे भेजा। वह इस प्रतियोगिता के लिए आने वाले योद्धाओं में अंतिम था। वह अकड़ के साथ अंदर आया, आराम से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। उसे देखकर अर्जुन समझ गया कि वह मछली की आंख भेद सकता है, मगर वह यह भी जानता था कि हालांकि दुर्योधन ने उसे राजा बना दिया है, मगर अब भी उसे एक सूत पुत्र की तरह ही देखा जाता है। इसी तरह कृष्ण ने देखा कि कर्ण का प्रतियोगिता में आना उनकी योजना का हिस्सा नहीं था और इस भयंकर योद्धा में कामयाब होने की काबिलियत भी थी। हर बार जब एक नया योद्धा आता तो द्रौपदी कृष्ण की ओर देखती। वह उनके संकेत की प्रतीक्षा करती कि यह उसके लिए उपयुक्त वर है या नहीं।
अब तक हर बार कृष्ण मुस्कुराते हुए इस पूरे तमाशे का आनंद उठा रहे थे। फिर वह जान जाती कि वह उपयुक्त नहीं है। वैसे भी बहुत सारे लोग धनुष पर प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पा रहे थे। मछली की आंख को भेदना तो दूर की बात थी, लेकिन फिर भी द्रौपदी जिसे चाहे उसे चुन सकती थी, चाहे वह मुकाबले में सफल हुआ हो या नहीं। जब कर्ण आया तो कृष्ण ने आंखें बंद करके द्रौपदी से कहा, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, क्योंकि यह नहीं होना चाहिए। यह शख्स इसमें सफल हो जाएगा। द्रौपदी वहां अपने हाथ में वरमाला लेकर खड़ी थी और उसका भाई धृष्टद्युम्न उसके बगल में खड़ा था। जब कर्ण पास आया तो वह अपने भाई से जोर से बोली, ताकि कर्ण भी यह बात सुन सके, मैं एक सूत से विवाह नहीं करना चाहती। उसने सूत पुत्र भी नहीं कहा। धृष्टद्युम्न ने घोषणा की, मेरी बहन एक सूत से विवाह नहीं करना चाहती, इसलिए प्रयास करने का भी कष्ट मत उठाओ। पूरी सभा के सामने शर्मिंदा होकर कर्ण ने सिर झुका लिया और वहां से चले गए। फिर एक ब्राह्मण युवक का वेश धरे अर्जुन उठकर सामने आया और कहा, अब जबकि कोई क्षत्रिय इस मुकाले को नहीं जीत पाया है, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? धृष्टद्युम्न चकरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे एक ब्राह्मण को इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं। उसने कृष्ण की तरफ देखा। कृष्ण ने जानबूझकर कोई चीज नीचे गिरा दी और उसे उठाने के लिए नीचे झुके, जिसका अर्थ हाँ था। धृष्टद्युम्न बोला, हाँ, यदि आप मुकाबला करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मगर सभी योद्धा विफल हो चुके हैं, आप इसे कैसे कर पाएंगे? ब्राह्मण युवक सामने आया, उसने धनुष की तीन बार परिक्रमा की, उसके सामने दंडवत प्रणाम किया मानो वही उसके भाग्य की चरम परिणति हो। फिर उसने धनुष उठाया, आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और परछाई में देखकर तीर चला दिया। हर योद्धा को मछली की आंख में तीर मारने के 5 मौके मिलने थे। उसने इतनी जल्दी जल्दी 5 तीर चलाए कि मछली की आंख में तीरों की कतार जाकर लगी और मछली गिर पड़ी। इस प्रतियोगिता को देखने आए ब्राह्मणों और गैर क्षत्रियों की ओर से तालियां गूंज उठी, मगर क्षत्रिय क्रोध में दहाड़ उठे, यह ठीक नहीं है, एक राजकुमारी एक ब्राह्मण से विवाह कैसे कर सकती है? अब एक ब्राह्मण ने मुकाबला जीता है और आर्य धर्म के अनुसार हम ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते हैं, मगर धृष्टद्युम्न ने ही उसे प्रतियोगिता में शामिल होने दिया, हम उसे मार डालते हैं। उन सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। भीम ने एक छोटा पेड़ उखाड़ लिया और धृष्टद्युम्न की ओर जाने वाले हर किसी को उससे मार गिराया। अर्जुन ने धनुष उठाया और चारों ओर हाहाकार मचा दिया। फिर यादव भी उनकी मदद के लिए आ गए। उन्होंने साथ मिलकर स्थिति पर काबू पा लिया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी। अर्जुन और उसके चारों भाई उसे लेकर अपनी माँ के घर पहुँचे। कुंती उस समय भोजन पका रही थी। जब भी वे लोग ब्राह्मणों के भेष में भोजन की भिक्षा मांगने जाते तो जो कुछ मिलता उसे लौटकर माँ के चरणों में रख देते। भोजन को बांटना कुंती का काम था। वह हमेशा उसे 2 भागों में बांटती, एक हिस्सा भीम के लिए, दूसरा बाकी 4 भाइयों के लिए। वे अंदर आए और कहा, माँ देखो आज हम क्या लेकर आए हैं। ऊपर देखे बिना
वह बोली, वह जो भी है आपस में बांट लो। वे हक्के बक्के रह गए और कहा, माँ यह एक स्त्री है, हम एक राजकुमारी को लेकर आए हैं। वह मुड़ी और द्रौपदी को देखा, उसने अब तक इतनी आकर्षक स्त्री पहले नहीं देखी थी। वह बोली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें बांटने को कह दिया तो बस। वे चकरा गए, द्रौपदी सन्न रह गई। वह खुश थी कि इस बहादुर योद्धा ने प्रतियोगिता में उसका हाथ जीता है, मगर अब उसकी माँ कह रही थी कि भाइयों को उसे बांट लेना चाहिए, यह सही नहीं था। भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। वे वापस द्रुपद के महल में गए, वहाँ कृष्ण और व्यास भी मौजूद थे। वहाँ बहस छिड़ गई, पांच पुरुष एक स्त्री से कैसे विवाह कर सकते हैं? पांडव भाइयों ने द्रुपद से कहा, एक बार जब हमारी माँ कुछ कह देती है तो चाहे वह कुछ भी हो हमें उसे करना होता है। अर्जुन अकेला उससे विवाह नहीं कर सकता, या तो हम पांचों उससे विवाह करेंगे या आप अपनी बेटी को वापस ले सकते हैं। फिर द्रुपद ने कृष्ण से सलाह मांगी, फिर कृष्ण ने इस मामले को सुलझाया। कृष्ण ने हस्तक्षेप करके द्रौपदी और उसके पांच पांडव के बीच एक वैवाहिक समझौते का सुझाव दिया। उन्होंने उससे कहा, एक एक साल तक हर भाई के साथ रहो, अगर उस एक साल के दौरान दूसरा भाई अनजाने में भी तुम्हारे शयन कक्ष में आ जाए तो उसे एक साल के लिए जंगल जाना पड़ेगा, यानी वनवास काटना होगा। और यदि कोई पांडव दूसरी कन्या से विवाह करता है तो उन्हें दूसरी पत्नियों को इस व्यवस्था के बाहर रखने की अनुमति दी गई, मगर वे पत्नियां महल में नहीं रह सकती थी। इसके बाद पहले दिन द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया, और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी की गई और सभी के साथ उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया। दरअसल हर बार पत्नी धर्म निभाने में द्रौपदी इस वजह से समर्थ थी क्योंकि द्रौपदी को यह वरदान मिला था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेंगी। इस तरह से द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। मित्रों, दरअसल बात यह भी है कि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। अग्नि को सबसे पवित्र माना जा रहा है। उसी तरह दूसरे पति के पास जाने से पहले पुनः कौमार्य और शुद्धता प्राप्त करने के लिए द्रौपदी आग पर चलती थी। इस प्रकार द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। जब द्रौपदी को पुत्र की लालसा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सुझाव दिया कि हर साल वे किसी एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करें। साथ ही जिस समय वे अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। सभी पांडवों की दूसरी पत्नियां थी, परंतु वे पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थी तथा पांडवों को अपनी इन पत्नियों से मिलने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ती थी। वे चार साल में एक बार अपनी पत्नियों से मिलने जाते थे जब द्रौपदी अन्य भाइयों के साथ अंतरंग होती थी। मित्रों, एक बार द्रौपदी ने श्री कृष्ण की पत्नी को भी अपने पतिव्रता होने का कारण बताया था। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी।
दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती, पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ, घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ, मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ, पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में